पूरे 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पश्चात सांप चले जाने के बाद लाठी पीटने वाली करतूत करते अमरावती के विधायक रावसाहेब शेखावत ने मंगलवार को महानगर के प्रशासनिक अधिकारियों की क्लास ली। इस आक्रामकता वाले तेवर पर अचरज व्यक्त हो रहा है। पूरे 3 साल बीतने के बाद उन्हें मतदार संघ के समस्याओं की जानकारी मिली क्या? इससे पूर्व ही रावसाहेब कड़े कदम उठाते तो कुछ बात तो बनती। रावसाहेब की ये आक्रामकता सिर्फ दिखावा है या सच में उनकी नींद जागी है? ऐसा जाहिर सवाल रावसाहेब शेखावत से पूछा जा रहा है। और क्यों न पूछा जाए, जनप्रतिनिधि चयनित होने से वे जवाब दे तो है ही। जब सिटी जर्नल ने महानगर के डफरिन इरविन की अव्यवस्थता, डॉक्टरों की रिक्त जगह, दवाइयों की कमतरता, पेशेंटों के इलाज के अभाव में हो रही दैनावस्था आदियों सहित महानगर के असंख्य इलाकों की बदहाली, मनपा का उदासीन रवैया आदियों पर सप्रमाण ध्यान खींचा, तब शेखावत महोदय ने इस ओर पीठ दिखाई। तो इन्हीं बुलेटिनों पर इरविन और डफरिन में तमाम जनप्रतिनिधियों ने दौरे किए। तिवसा की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर, मोर्शी के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, जिले के सांसद आनंदराव अलसुड, बडनेरा विधायक रवि राणा, इनका इन दौरों में समावेश था। पर अमरावती के विधायक रावसाहेब शेखावत को इसकी सूद नहीं आई। तमाम जनप्रतिनिधि इरविन और डफरिन आए और गए, पर यहाँ के व्यवस्था में कोई सुधार दूर दूर तक नहीं देखा गया। अब की बार विधायक रावसाहेब ने डफरिन धमक कर प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई। इससे इस व्यवस्था में क्या सुधार आएगा पता नहीं, क्योंकि एक सांसद और 3 विधायक जो ना कर सके तो अब ये 1 विधायक महोदय क्या कराएंगे और क्या कुछ सुधरेगा, इस पर तमाम शहरवासी एवं जिलावासी शासक है। विधायक रावसाहेब शेखावत को हाई प्रोफाइल विधायक के रूप में पहचान है। उनकी मातोश्री देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने से उनके द्वारा सुझाए मुद्दे सहजता से हल होंगे, ऐसा विश्वास पूरे मतदार संघ को था। इसी वजह से उन्हें अमरावती का विधायक भी चुना गया। लेकिन मतदारों के विश्वास का विश्वासघात ही विधायक रावसाहेब शेखावत ने किया। मातोश्री राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते कुछ भी विधायक कार्य विधायक महोदय ने ना किए ना कराए, जो कि हो सकते थे। पर अब मातोश्री के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने से बचे कुछ साल इन्हीं मतदारों के साथ निभाना है, लोकप्रियता बरकरार रखनी है। अब हर बार तो मातोश्री का साथ नहीं रहेगा, आगामी चुनाव भी है, इसलिए शायद विधायक शेखावत महोदय ये प्रयास शुरू कर रहे हैं और इसीलिए ये सब दिखावा किया जा रहा है, ऐसी धारणा मतदारों की हो चुकी है। हर समय दिल्ली या मुंबई में ज्यादातर वक्त गुजारने वाले रावसाहेब को मतदार संघ में लोगों के बीच जाने की और लोकप्रियता बढ़ाने की कैसे सूझी, ऐसा भी जाहिर पूछा जा रहा है। मनपा के उदासीन भूमिका पर भी कई बार सवाल उठे हैं और उठ भी रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता रहते भी क्यों कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया और अब ये सब क्या कर लेंगे, ऐसा सवाल भी उपस्थित होता है, जिसके जवाब तो विधायक महोदय को देने ही होंगे। 3 सालों तक बादलों में घिरे चांद और सूरज के जैसे कहीं छिपे रहे और अब अचानक आगामी चुनाव की तैयारियों के चलते वे बाहर निकले, ऐसा कहते अमरावती मतदार संघ उनके लिए इस गीत के बोल गुनगुनाता है। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहे मेरे तूने बीमार हम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी।